महाराष्ट्र की राजनीति में सियासी घमासान मचा हुआ है। लाउडस्पीकर की लड़ाई में राज ठाकरे मुखर हो गए हैं, लिहाजा मनसे चीफ आज औरंगाबाद में रैली कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि मेरी आज की रैली को लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे थे, मुझे समझ नहीं आया कि इतना हंगामा क्यों मचा हुआ है। रैली में राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे पर हमला करते हुए कहा कि मेरी जनसभाओं से सरकार बौखला गई है। इस दौरान उन्होंने लाउड स्पीकर विवाद का भी जिक्र किया। रैली में राज ठाकरे ने कहा कि हमने मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने के लिए 3 मई तक के लिए अल्टीमेटम दिया था, लेकिन 3 मई को ईद है, मैं इस उत्सव को खराब करना नहीं चाहता। हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि वो हमारी मांग पूरी करे, नहीं तो 4 मई के बाद हम किसी की भी नहीं सुनेंगे। मनसे प्रमुख बोले कि अगर हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो हम दोगुनी ताकत से हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। हमारे अनुरोध को नहीं समझा गया तो हम अपने तरीके से निपटेंगे। मनसे चीफ ने रैली में शरद पवार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि शरद पवार ने कुछ दिन पहले मुझ पर आरोप लगाया कि मेरे भाषण समाज को बांट रहे हैं, लेकिन मैं शरद पवार से कहना चाहता हूं कि जाति विभाजन के लिए आप जिम्मेदार हैं। शरद पवार अपने भाषणों में छत्रपति का एक भी शब्द नहीं बोलते। कुछ दिन पहले मैंने कहा था कि शरद पवार ईश्वर को नहीं मानते, तो अगले ही दिन उनकी पूजा की तस्वीर सामने आई। राज ठाकरे ने कहा, मैं बताना चाहता हूं पवार जी, आपकी बेटी ने भी यह बात स्वीकार की है कि आप भगवान में विश्वास नहीं करते हैं।